तो एक लड़का होता है जो उसकी पत्नी होती है उन्हें छोड़कर अपने मायके के लिए चली जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास कौन रहेगा, हमारी जैसी लड़की तुम्हारे पास नहीं रहेगी जो 1 रुपया के मोहताज है। इस बात को उस लड़का को बहुत दुख होता है और सोचने लगता है कि आखिर मेरा शरीर और हाथ गोड़ तो सब ठीक है, लेकिन मैं 1 रुपया के मोहताज हूँ, तो आज मेरी पत्नी छोड़कर मुझे चली गई। इस बात को उस लड़का को दुख होता है और कहने लगता है कि ठीक है, अब तो हमारे दुनिया में कोई नहीं है, माता पिता जो भी थे वो तो एक भारी एक्सीडेंट के कारण वो भी दुनिया छोड़ दिए, आज तू भी आई थी तो तू भी छोड़कर चली गई। ठीक है, मैं आज के बाद वादा करता हूँ कि मैं अपने मेहनत के साथ ऐसा आदमी बनूंगा कि तुम अपने आप वापस आओगी। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही गरीब परिवार की कहानी है और बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी को सुनने से पहले लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ता रहे, क्योंकि आप लोग को जागरूक करने के लिए ही मैं ऐसा कहानी लेकर आता हूँ कि आप सुने और सचेत हों कि परिवार बिखरने से कैसे रोके। दोस्तों, ये कहानी रांची की सच्ची कहानी है और कहानी में लड़के के नाम सौरभ और लड़की के नाम नेहा होता है। जब सौरभ बाहर कमाने के लिए चल जाता है तो एक कंपनी में काम करने लगता है। आप तो जानते हैं कि गरीब लड़कों के अंदर टैलेंटी कितना होती है, जो टैलेंटी उस सौरभ में थी। सौरभ ने देहात था तो उनकी कोई काम नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो 2 रुपया के मोहताज था। और जब बाहर जाता है तो उस कंपनी में इतना ईमानदारी से काम करने लगता है कि उस कंपनी के जो मालकिन होती है उसको कुछ दिन के बाद जब कंपनी में आती है तो सौरभ के काम देखकर उसको बुलाती है कि लड़का इधर आओ। तो जब सौरभ उसके पास जाता है तो कहता है कि क्या है मैडम, तो तब कंपनी के मालकिन कहती है कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। तभी सौरभ कहने लगता है कि मैडम मेरा घर तो रांची है। इस बात को जब मालकिन सुनती है तो कहती है बेटा तुम तो काम बहुत ही ईमानदारी से करते हो, तुम्हारा काम मैं देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ कि आपके पाछे से जो वर्कर काम करते हैं उनको जितना जानकारी नहीं है उससे ज्यादा तुम्हें जानकारी है, आखिर तुम इस जानकारी को कहाँ से लाए हो। इसी बात पर सौरभ अपने परिवार की सारी कहानी बताता है कि मैडम भी इमोशनल हो जाती है कुछ देर के लिए, वो भी सहम जाती है और कहने लगती है कि हाँ बेटा, आज के जमाने में पैसे ही सब कुछ है क्या? तो लड़का कहने लगता है कि हाँ मैडम, आज के जमाने में ज्यादा लोग पैसे ही पैसे करते हैं, जो मेरे साथ हुआ। इसी बात पर मैडम कहती है ठीक है बेटा, मैं तुझे वैसा पद दूंगा कि को ये महसूस नहीं होगा कि मैं वैसा पद कैसे ले लिया। सौरभ कहता है ठीक है कोई बात नहीं है। तभी मैडम पूछती है कि आखिर तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो मेरे माता पिता तो एक एक्सीडेंट होने के कारण मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। तभी मैडम कहती है कि आखिर तुम किसके साथ रहते थे बचपन में। तभी सौरभ कहने लगता है कि मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला पोसा है और उन्हीं ने सब कुछ किया है। मालकिन कहती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, काम करो, कोई
कुछ दिन बीतने के बाद जब एक मशीन के कंपनी में पूजा होता है तो मालकिन आती है उसी पूजा को कराने के लिए। तो सौरभ को उसी दिन से अपने तीनों कंपनी के मैनेजर बना देती है और कहने लगती है कि आज से तुम मेरे तीनों कंपनी के मालिक बन गए हो और तीनों कंपनी को इतने अच्छे से काम को देखना कि कोई कंपनी में किसी प्रकार के परेशानी न आए। ते हुए सौरभ ये बात सोचने लगता है कि आखिर मुझे इतना बड़ा पद मिल गया तो मैं तो आज बड़ा आदमी बन गया, लेकिन एक समय ऐसा था कि पैसे के ही चक्कर में मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। जब सौरभ 10 साल बाद गांव आता है कि चले अब गांव पर भी घर और बनवा दे कि वहां पर अपने नया जिंदगी शुरुआत करने के लिए कुछ ऐसा काम करे कि हमें भी कुछ सुकून मिले। जब सौरभ गांव आता है तो इस तरफ उसकी शादी हुई, जिस गांव में उनकी शादी हुई थी उसी गांव के तरफ एक बाइक से जा रहा था जीट जाट में, जब तो उसकी पत्नी एक पेड़ पर बैठ कर दो बकरियों को देख रेख कर रही थी। जब वो पत्नी अपने पति को देखती हो तो दौड़ कर आकर रोड पर खड़ी हो जाती है और हंसने लगती है। तभी वो लड़का भी खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम अपनी शादी नहीं की हो क्या? तभी वो लड़की कहने लगती है कि नहीं, मैं शादी नहीं किया हूँ, मेरे माता पिता गरीब थे तो बोल रहे थे कि क्या मैं तुझे एक जगह शादी किया तो आज फिर मैं दूसरे जगह करूँगा, मैं नहीं करूँगा, अब आपको जीवन यहीं पर गुजारना पड़ेगा। तभी वो लड़का कहता है कि क्या आपकी क्या राय है इस बात पर? तो लड़की कहती है अब तो आपकी इच्छा होगी, जैसा आप करेंगे वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। तभी लड़का कहता है कि मैं तो आज तीन तीन कंपनी के मालिक बन गया हूँ। एक समय था कि मैं 2 रुपए का मोहताज था तो तुम उस दिन मुझे छोड़कर चली गई, आज मैं 10 वर्ष बाद मैं एक बड़ा बिजनेस मैन के मालिक बनकर आया हूँ तो तेरी हालत देखकर मुझे वैसी दुख होती है कि मैं अपने को काबू में नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात को जब वो लड़की सुनती है तो रोने लगती है और लड़के के पांव पर गिर जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, हमको ये समझ में नहीं आया कि पैसे ही सब कुछ है। तभी लड़का कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो उठो, खड़ा हो जाओ और अपने माता पिता से तुम बात कराओ। वहीं पर उस लड़की को अपने बाइक पर वो लड़का बैठाता है और अपने सास ससुर के पास जाता है तो उस लड़के के जो सास ससुर होते हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, क्या करें, हम लोग इतना इसको समझाए थे कि जिस घर में शादी अगर माता पिता कर दे वही घर अपना होता है, लेकिन ये नहीं समझी और तुझे छोड़कर मायके चली आई तो हम लोग क्या करें, हम लोग भी तो गरीब हैं, तो ऐसे हम कई शादियां करेंगे, इसलिए हम सोचे कि अब तुम ऐसे ही जिंदगी गुजारो, लेकिन मैं दूसरा नहीं शादी करूंगा क्योंकि मुझे बड़ा घर में जाने के लिए ज़्यादा पैसा भी तो चाहिए। तभी लड़का कहता है कि आखिर आपकी राय क्या है? तभी लड़की के माता पिता कहने लगते हैं कि बेटा
मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी को अपना लो तो बहुत ही हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि एक गरीब के खुशी में आपकी बहुत भलाई होगी। लेकिन लड़का कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके कहने पर मैं आपकी बेटी को अपना लेता हूँ, क्योंकि हमारे इस दुनिया में माता पिता नहीं है और आपको भी मैं अपना माता पिता मानकर आपकी बेटी को गलती को मैं माफ कर देता हूँ और आपकी बेटी को मैं लेकर जाऊँगा, तो अब मैं लेकर बाहर चले जाऊँगा। इस बात को जब लड़की के माता पिता सुनते हैं तो बहुत खुशी से झूमने लगते हैं कि आज मेरी बिटिया की जिंदगी बदल गई। लेकिन फिर से अपने बेटी को ये बात कहते हैं कि आज के बाद तुम ये बात को समझ लो कि किस्मत बदलता देर नहीं लगता है, और अपनी बेटी को खुशी खुशी से एक अपने गांव के गाड़ी करते हैं और उसी गाड़ी में विदाई कर देते हैं। जब लड़का अपने घर लेकर आता है तो अपने उनके चाचा चाची कहते हैं कि आखिर बेटा तुम इसको कैसे लाया। तभी सारी बात अपने चाचा चाची से लड़का बताता है और कहने लगता है, चाचा चाची माफ़ कीजिए और जाने दीजिए, मेरा अब मैं नई जिंदगी शुरुआत करने जा रहा हूँ। लड़के के चाचा चाची कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारे जिसमें खुशी है मैं उसी खुशी पर खुशी हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही जिंदगी में सब कुछ है, अगर तुम्हारे ही फैसला किया हुआ पर मुझे भी चलना है। तब सौरभ कहता है कि चाचा चाची मैं अपने परिवार को अब लेकर मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि मुझे छुट्टी ज़्यादा दिन की नहीं मिली है, बहुत मुश्किल से मुझे छुट्टी मिलती है, क्योंकि मैं 3-3 कंपनी के मैनेजर बन गया हूँ। इस बात को जब उनके चाचा चाची सुनते हैं तो खुशी खुशी उन दोनों को विदाई कर देते हैं और गाड़ी धरा देते हैं। खुशी खुशी सौरभ और उसकी पत्नी चल देते हैं दोनों। जब बाहर जाते हैं तो जो कंपनी की मालकिन होती हैं उसके पास सौरभ अपने पत्नी को लेकर जाता है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि मैं अपना अब नया जिंदगी शुरुआत करने जा रहा हूँ, चलो मालकिन की आशीर्वाद थोड़ा ले लें। जब मालकिन के पास जाता है तो उनकी मालकिन कहने लगती हैं जो सौरभ की पत्नी थी उनसे कि आखिर तुम इसी लड़के को, जब पैसा इनके पास नहीं था, 2 रुपये के मोहताज था, तो तुम छोड़कर चली गई थी, आज फिर वापस कैसी आई। वहाँ भी सारी उसकी पत्नी सारी बात बताती है और उनके पैरों पर गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। आप ही लोग ने इनका जिंदगी बदला है, मुझे भी माफ़ कर दीजिए मैडम। मैडम बड़ी ही दयालु थी, उनकी हाथ धाकर उठा देती है और कहने लगती है, ठीक है बेटा और बहू, खुशी खुशी जियो और अपने एक नया जिंदगी शुरुआत करो। अब सौरभ ड्यूटी करने लगता है और उसकी परिवार सौरभ के परिवार अपने रूम पर आने लगती है। तभी कुछ दिन बीतने के बाद जब कंपनी के जो मालकिन होती है उनका एक भारी बीमारी हो जाती है, भारी बीमारी के कारण उसकी इलाज जब इंडिया नहीं हो रही थी तो इलाज के लिए अमेरिका चली जाती है और सौरभ के ऊपर सारे सौंप कर जाती है कि अच्छे से देखना बेटा कारोबार, क्योंकि मैं अमेरिका के लिए जा रही हूँ। अमेरिका जाने के बाद भी वहाँ बीमारी नहीं ठीक होती है तो वहाँ से डिस्चार्ज कराकर घर आती है तो कहने लगती है कि बेटा अब मैं कुछ ही दिन के मेहमान हूँ। जब अमेरिका से मैडम आती है तो सौरभ को बुलाती है और कहने लगती है कि बेटा जो तुम्हें मैं सौंपी हूँ उसे ईमानदारी से देखना, और जो ये तुम्हारे पिता हैं और हमारे पति हैं इनका भी ख्याल रखना, क्योंकि मैं कुछ दिन के मेहमान हूँ। इतना बात कहने के बाद मालकिन की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सभी रोने लगते हैं
मालकिन के पति भी रोने लगते हैं और सौरभ की पत्नी भी रोने लगती है कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ। सौरभ के मन में एक बात आती है कि जो कंपनी की मालकिन थी वो कह कर गई थी कि डेथ होने के बाद सभी रोने लगते हैं और सौरभ सोचने लगता है कि आखिर हमारे साथ हुआ तो क्या हुआ। तभी सौरभ जो मालकिन के पति हैं उनसे कहने लगता है कि पिता आप घबराइए मत, मैं आपको देखभाल करूंगा और आपको पिता के तरह मानूंगा। इस बात को जब उनके पति सुनते हैं तो वो चुप हो जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने लगते हैं। और अंतिम संस्कार कर जब घर आते हैं तो अपने जो विधि विधान होता है उस विधि को निभाते हैं। सारी क्रियाक्रम होता है उस क्रियाक्रम को करते हैं और क्रियाक्रम करने के बाद अपने पिता के तरह मालकिन के पति को मानने लगते हैं और सौरभ और उसकी पत्नी को अपने बेटे बहू के तरह मानते हैं, क्योंकि मालकिन के न बेटा न बेटी था इसलिए सौरभ को ही अपना बेटा और बहू बना लिया। फिर से कुछ दिन बीतने के बाद जो मालकिन के पति होते हैं उनका भी निधन हो जाता है और निधन होने के बाद सौरभ अकेला रह जाता है और सोचने लगता है कि अब हम लोग को किस तरह जीना चाहिए कि हमें सुकून मिलेगा। उसी दिन से वो ठान लेता है कि हम जब गरीब से उठे हैं तो गरीबी में ही मरेंगे, क्योंकि गरीब के परवरिश करते हुए मरेंगे तो हमें ज़िंदगी की बहुत सुकून होगी और हमारा आत्मा को भी मरते दम तक शांति मिलेगा। कि तभी सौरभ ने गरीबों को शादी कराने लगा और गरीबों को शादी में दान पुण्य करने लगा और सत्संग में घूमने लगा और पूजा पाठ करने लगा और कंपनी को भी देख रेख करता था। तभी कुछ दिन बीतने के बाद सौरभ को जुड़वा लड़का हुआ, जो लड़के के जन्मदिन में बहुत ही खुशियाँ मनाया। खुशियाँ मनाने के बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीने लगे और सौरभ के साथ जो उनकी पत्नी की थी सही की गलत की थी, और सौरभ के जो कंपनी की मालकिन थी वो सौरभ को अपना बेटा और बहू मानकर क्या सही और गलत की आप ही लोग बताइए। तब तक के लिए राधे राधे।